अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का एहसान, आप सुनाए क्या हाल वाले? बस सब खैरियत है, आपकी दुआएं आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम जरा फिर से एक बार बता दीजिए। सर मंगल खान बुगती। मंगल खान बुगती जी सर। अच्छा, थोड़ा आप अपनी बकरियों के बारे में बताइए, जो आपके मेल गोट्स हैं, जो मेल बकरे हैं उनके बारे में बताइए, जो आपने रखे हुए अभी जो नुमाइश के लिए लेके आएंगे, और जो आपने ब्रीडर छोड़े हुए उनके बारे में कुछ बताइए हमें, ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। ये बच्चा है मेरे अपना बकरों का बच्चा है। आपकी ये गोट्स में से ही हुआ ये बच्चा? जी, और इसका बाप का दिल पसंद नाम था। अच्छा, ये दिल पसंद का बेटा है? जी 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 जी। वो बड़ा नाम वाला बकरा था। अच्छा, दिल पसंद जो बकरा था। जी हाँ। तो अभी वो बकरा कहाँ है? वो बकरा मर गया। अच्छा, मर गया। बेटा है ये? उसका बेटा है जी। इसका नाम रखा जोरावर। इसका नाम है जोरावर? जोरावर जी हाँ। अच्छा, ये जोरावर बकरा है? जी जी सर। अच्छा, थोड़ा ये दिखाइए हमें ये बकरा। बकरा इसके कान कितने हैं अंदाजन? अभी कान से इसके 25 इंच है। 25 इंच है। और इसकी उम्र कितनी है अभी? दो दांत हो रहा है अभी। अच्छा, अभी दो दांत हो रहा है। थोड़ा सा इसको चला के दिखाइए बकरे को। अच्छा अच्छा ये अभी रिसेंटली हुआ है इसके टांगों में कोई मसला हुआ? आज थोड़ा बीमारी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं तो बहुत इलाज भी किया। अच्छा, अभी तक सही नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है? नहीं, हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कोई जो दोस्त या कोई डॉक्टर हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, वो कोई इसका इलाज हमें सही से बता सकें, या कोई लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से बंदा, या कोई इसकी मेडिसिन या वगैरह जो हो सकेगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी, ताकि ये नस्ल बचे और इसकी बीमारी भी सही हो। इसकी पाँव में कुछ वो हो गए, थोड़ा सा सूजन सूजन हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार चला के दिखाइए, ताकि हम दिखाएं। ये जोरावर बकरा है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले इसके पाँव में थोड़ी सूजन हो गई है, तो इसको थोड़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों को ये बकरा पसंद आएगा, और इसका भी इलाज के लिए मंगल खान बुगटी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से इसका इलाज हो जाए, ताकि ये नस्ल आगे बढ़ा सकें इस बकरे की भी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अभी एक और दूसरा बकरा भी है, उसके बारे में बताइए कौन सा बकरा है? बकरा इधर भी एक है जी जी, वो भी दिलपसंद का बेटा है। दिलपसंद का बेटा, उसका नाम नाम भी दिलपसंद रखा। उसका नाम भी दिलपसंद रखा। वो दिखाएंगे आप हमें? हाँ बिल्कुल सर, दिखाऊंगा। दिखाइए। और एक तीसरा भी बकरा है, उसका नाम ताज है। ताज अभी तक इधर नहीं है, वो घर पे खड़ा है, इंशाल्लाह नमाज पे वो भी लेके आऊंगा। अच्छा, इधर नहीं है जी। ताज नाम है उसका? ताज नाम है। अच्छा। और एक 4 महीने का बच्चा है। अच्छा, उसका भी आपको आज दीदार कराऊंगा। उसका नाम रखा मैंने किंग। किंग सबसे मेरे ख्याल में ऊपर है, उस वजह से मैंने नाम किंग रखा। किंग रखा है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा बकरा है? ये दिलपसंद बकरा है। ये दिलपसंद बकरा है। थोड़ा सा इसको चला के दिखाइए। इस बकरे का नाम है दिलपसंद? नाम भी दिलपसंद रखा सर। अच्छा, ये भी दिलपसंद का बेटा है? बेटा दिलपसंद का है। थोड़ा सा इसको चलाइए। इसकी उम्र कितनी होगी अभी अंदाजन? 4 दांत हो रहा है। ये 4 दांत हो रहा है। अच्छा, और इसके अलावा आप कौन सा बता रहे हैं आपके पास जो दूसरा? उसका नाम ताज है। ताज है जी। अच्छा, और चौथा बकरा जो आप बोल रहे हैं आपके पास है, वो बच्चा है, उसका नाम किंग है। किंग है, वो दिखाएंगे आप? हाँ सर, दिखाऊंगा। वो बच्चा ये सर किंग बच्चा यही है। ये किंग बच्चा है? इसका नाम ही किंग रखा है आपने? नाम रखा किंग। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? ये 4 महीने का है। अच्छा, माशाल्लाह 4 महीने का है। अच्छा,
कानों में 22.5 इंच है। 22.5 इंच है कान इसके जी हाँ। और इसकी उम्र है 4 महीने। अच्छा, मेरे पास एक बकरा था वो भी दिल पसंद का बैठा था, उसका नाम मैंने रखा शहजादा। शहजादा, शहजादे का बेटा है ये, शहजादे का बेटा जी है। अच्छा, मैं शहजादा बकरा शौकत फकीर को दिया 10 लाख रुपए में। शौकत फकीर को, खुश को दिया। शौकत खुश को आपने दिया 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में शौकत। अच्छा। आगे दिया सरदार गुलाम सुल्तानकाई को 20 लाख रुपए में। अच्छा, उन्होंने आगे 20 लाख में सेल किया। लाजवाब बकरा है वो, शहजादा भी वो उसका बेटा है। ये मुल्ला नवीद के पास पैदा हुआ। मुल्ला नवीद के पास जी हाँ। अच्छा। एक मेरा दोस्त था वलीमन, उसका नाम था, वो आया। मैंने ये मुल्ला नवीद कहाँ के हैं? ये भी इधर मेरा पड़ोसी है। अच्छा जी हाँ, रिश्तेदार है मेरा। पूरा नाम क्या उनका? नवीद का नाम नवीद है, ऐसे मुल्ला मुल्ला कहते हैं। मुल्ला कहते हैं, मुल्ला नवीद। अच्छा, उनके पास ये पैदा हुआ था जी। फिर उसके बाद? फिर उसके पास मेरा एक दोस्त था इधर कंडियारू की साइड की थी, वली मोहम्मद उसका नाम था। वली मोहम्मद जी हंजरा जी हाँ जी। उसको दिलाया 4 लाख रुपए में, बचपन में छोटी थी, 15 दिन की थी। 15 दिन की थी आपने 4 लाख में दिलवाई जी हाँ जी। बाद उसी से मैंने लेके आया, वो हमारे को वैसे गिफ्ट में दे दिया। अच्छा, दाम वो नहीं किया उसका, थोड़ा है हमारे ऊपर। अच्छा, मैं उसको 6 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, आपने फिर 6 लाख दिए। मेरे ख्याल में 50 लाख में भी सस्ता है ऐसा बचा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, इसकी अभी कीमत कितनी होगी इस बकरी की अंदाजा? मैं तो 50 लाख में भी नहीं दूंगा भाई। अच्छा, आप 50 लाख में भी नहीं देंगे? नहीं दूंगा। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो आप 50 लाख में भी नहीं देंगे ये बकरा? इसको आप खुद भी देखो तो माशाल्लाह, आप भी पूरे मुल्क में घूमते हो तो, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नजर नहीं आया इसका। नहीं माशाल्लाह, बच्चा तो काफी खूबसूरत है। नकोट भी देख, कान देख, गली देख, वैसे इसका सारा जो ज्ञान है जी जी वो भी देख, तो माशाल्लाह चमड़ी कैसी है। थोड़ा सा इसको चलाइए बच्चे को। और अभी इसकी उम्र 4 माह है? 4 महीने जी हाँ। अच्छा, तो अभी इसको आप खुराक में क्या क्या चीजें खिला रहे हैं? इसको दूध दे रहा हूँ। दूध पिलाते हैं? कितना दूध पिलाते हैं? वो जितना पी सकता है वो देता हूँ। अच्छा, आप पिलाते हैं? मर्जी से पी के छोड़ता है। अच्छा, या बाद ये ग्राई वाटर जो होता है ना दवा जी जी, वो भी दूध में डाल के फिर दूध दे रहा हूँ। अच्छा, ग्राई वाटर और दूध दोनों मिक्स करके देते हैं? अच्छा, फिर गंदम दे रहा हूँ इसको। अच्छा, गंदम भी खिला दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये अंदाजन कितने वक्त तक तैयार हो जाएगा, ब्रीडर रेडी हो जाएगा? साल तक इंशाल्लाह फिर रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक साल में रेडी हो जाएगा। मेरा इरादा है दो दांत होने से पहले बकरियों में नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जब दो दांत होगा तो फिर बकरियों में छोड़ूंगा। अच्छा, ताकि ये अपनी हाइट और लेंथ और इसके इयर्स वगैरह हैं जो पूरी पकड़ ले, फिर उसके बाद आप ब्रीडिंग के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा इस बकरे को चला के दिखाइए। इस बकरे का नाम आपने बताया? किंग सर। किंग जी हाँ। अच्छा व्यूअर्स, ये किंग बकरा है जो कि मंगल बुगटी के पास है अभी, और ये बोलने में 50 लाख में भी सेल नहीं करूँगा। इसकी क्वालिटी की ये बता रहे हैं, इसके कान, इसकी झालर और इसका नकोट। अच्छा, ये बकरा आप उसमें कंपटीशन में लेके जाएंगे या इससे बड़ा वाला गोट लेके जाएंगे? कौन सा गोट लेके जाएंगे? बड़ा भी दो लेके जाऊंगा और ये भी लेके जाऊंगा। अच्छा, ये भी लेके जाएंगे आप? माशाल्लाह। अच्छा, इसकी जो गोट थी जी, वो आप ही की गोट में से थी या किसी और की गोट थी? वो भी मेरे बकरे का भी बैठा है जो मेरे मामू का बकरी था जी जी। उस बकरी में मैं वो सांड छोड़ दिया। अच्छा, फिर वो इसका माँ पैदा हुआ। अच्छा, फिर नवीद ने उस बंदे से लिया। अच्छा, इसका माँ अभी नवीद के पास है। अच्छा जी हाँ। तो आप समझते हैं कि इससे बेहतर कोई गोट होगा उसमें, इस बच्चों में, इसकी एज में 4 महीने के अंदर इससे बेहतर कोई गोट होगा आपके अंदाजे में? अल्लाह पाक तो पैदा कर सकता है इसी से और भी पैदा कर सकता है, मेरे एक अंदाजा है तो जी अभी जी। ऐसा बच्चा किसी के पास नहीं है। अच्छा जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह, अभी इस उम्र में 4 महीने की उम्र में ऐसा बच्चा माशाल्लाह किसी मेरे के पास ख्याल में किसी के पास नहीं है। किसी के पास है तो फिर वो अपना शौक जाहिर करे, दिखाए वीडियो, आज इंटरनेट का दौर है, दिखाए, मैं भी दीदार करूंगा। अच्छा, इसी से आगे है या नहीं? अच्छा, कि इससे अच्छा बच्चा अगर किसी के पास है तो वो शो कराए, अगर हाँ। किसी दोस्त के पास ऐसा बच्चा है। जी जी, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और आपके गोट्स देखे, ब्रीडर तीनों, जो अभी एक फ्यूचर का ब्रीडर है, ये छोटा, इसका आपने नाम किंग रखा है जी सर। और दूसरा गोट आपने दिखाया
जोरावर जी सर। अच्छा, तीसरा दिल पसंद। तीसरा आपने दिखाया दिल पसंद, ये तीनों गोट्स आपने अभी तक रखे हैं। ताज नाम है और एक आपके पास मौजूद नहीं है ब्रीडर है ताज। अच्छा, चार टोटल बकरे आपने अभी रखे हैं जिसमें से दो अभी बच्चे हैं और दो बड़े ब्रीडर हैं। जी सर, चलें बस उम्मीद करते हैं कि आपके ये ब्रीडर जो है छोटा आपने रखा हुआ है किंग, ये जल्दी तैयार हो और माशाल्लाह इसकी भी नस्ल आप लें इंशाल्लाह, और इससे और लोगों को भी फ़ायदा हो और बाकी पूरी ब्रीड और जितनी अच्छी ब्रीड पैदा हो सकती है तो वो आप इससे ब्रीड लें इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नस्ल पे काफ़ी वर्क किया है और इसकी काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह, एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। आपने नाम तो काफ़ी बनाया है, अभी इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल तक भी इसको पहुंचाएंगे इस नस्ल को और अपने पा इनका मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल बुगटी साहब। मेहरबानी है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमारा शौक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।